स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में फेमस इंडियन स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और एक्टर गिरीश कर्नाड जी के, जिन्होंने ज़्यादातर तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में मूवीज़ बनाई हैं। हिंदी लैंग्वेज की मूवीज़ की इस वीडियो में आप देखेंगे। इनके फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इनकी एक्टिंग की टॉप मूवीज़ में रही हैं मेरी जंग, जो कि सुपर हिट मूवी साबित हुई, और भी वर्ष एक था टाइगर, इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। वर्ष इनकी डेब्यू मूवी आई थी कन्नड़ लैंग्वेज की, जिसका नाम था 1970 में समस्कारा। ये कन्नड़ लैंग्वेज की मूवी थी। हिंदी लैंग्वेज की मूवी 1974 में आई थी जादू का शंख। इसमें शुल्भा देशपांडे, गिरीश कर्नाड, कुलभूषण खरबंदा लीड कास्ट में देखने के लिए। 1975 में निशांत मूवी आई, इसमें गिरीश कर्नाड, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी थी। ये मूवी एवरेज रही। अगली 1976 में आई थी मंथन, इसमें गिरीश कर्नाड, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली 1977 में आई थी स्वामी, इसमें गिरीश कर्नाड, शबाना आजमी लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जीवन मुक्ति, इसमें गिरीश कर्नाड, विद्याल सिन्हा, सुरेश ओबराय थे। अगली मूवी 1979 में आई थी संपर्क, इसमें गिरीश कर्नाड, रामेश्वरी, जयश्री टी और मजहर खान लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी 1979 में आई थी रतनदीप, इसमें गिरीश कर्नाड, हेमा मालिनी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1980 में आई थी बेकसूर, इसमें गिरीश कर्नाड, अनिल धवन, लक्ष्मी छाया और नसीरुद्दीन शाह लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी इसी साल में आई थी आशा, इसमें जितेंद्र, रीना राय, रामेश्वरी, दुलारी, गिरीश कर्नाड लीड कास्ट में थे। इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी मनपसंद, इसमें गिरीश कर्नाड, देवानंद, टीना मुनीम लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लोवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी अपने पराये, इसमें गिरीश कर्नाड, शबाना आजमी, अमोल पालकर थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1981 में आई थी क्षमा, इसमें गिरीश कर्नाड, शबाना आजमी, अरुणा ईरानी, विनोद मेहरा, कादर खान थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1982 में आई थी तेरी कसम, इसमें गिरीश कर्नाड, कुमार गौर और रंजीता कौर लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1983 में एक बार चले आओ, इसमें गिरीश कर्नाड, फारूक शेख, दीप्ति नवल, असरानी लीड कास्ट में देखने को मिले। विमर्श अगली मूवी आई थी 1984 में तरंग, इसमें गिरीश कर्नाड, अमोल पालकर, स्मिता पाटिल लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली 1984 में आई थी डिवोर्स, इसमें गिरीश कर्नाड, शर्मिला टैगोर, बिंदु और जगदीप थे। ये अगली 1985 में आई थी जमाना, इसमें गिरीश कर्नाड, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी मेरी जंग, इसमें गिरीश कर्नाड, नूतन, अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, अमरीश पुरी लीड कास्ट में थे। ये मूवी सुपरहिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी सुरसंगम, इसमें गिरीश कर्नाड, जयाप्रदा और सचिन पिलगांवकर लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी सूत्रधार, इसमें गिरीश कर्नाड, स्मिता पाटिल और नाना पाटकर देखने को मिले। विमर्श अगली 1988 में आई थी आकर्षण, इसमें गिरीश कर्नाड, अकबर खान, सोनू वारिया लीड कास्ट में थे। जिस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1989 में आई थी मिल गई मंजिल मुझे, इसमें गिरीश कर्नाड, मिथुन चक्रवर्ती, मुन्नुन सेन, जलाल आगा, अमरीश पुरी थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1990 में नेहरू द ज्वेल ऑफ इंडिया, इसमें गिरीश कर्नाड, तनुजा, अनुपम खेर थे। अगली 1991 में आई थी अंतरनाद, इसमें गिरीश कर्नाड, शबाना आजमी, कुलभूषण खरबंदा लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली 1996 में आई थी आतंक, इसमें गिरीश कर्नाड, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, अमजद खान, कादर खान थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली 1998 में आई थी चाइना गेट, इसमें इन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। लीड कास्ट में ममता कुलकर्णी, ओम शिवपुरी थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली 1998 में आई थी आक्रोश, साइक्लोन ऑफ एंगर, इसमें गिरीश कर्नाड, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, जॉनी लीवर थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 2000 में आई थी, जिसका नाम था पुकार, इसमें गिरीश कर्नाड, माधुरी दीक्षित, नम्रता शिरोडकर, अनिल कपूर, डैनी डेजम्पा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 2005 में आई थी, जिसका नाम था इकबाल, इसमें गिरीश कर्नाड, श्रेयस तलपड़े और नसीरुद्दीन शाह देखने को मिले। अगली मूवी 2006 में आई थी डोर, इसमें गिरीश कर्नाड, आयशा टाकिया, गुल पतंग लीड कास्ट में देखने को मिले। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 2009 में आई थी 8x10 तस्वीर, इसमें गिरीश कर्नाड,
शर्मिला टैगोर, आयशा टाकिया थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली 2009 में आई थी आशाएं, इसमें गिरीश कर्नाच, जॉन अब्राहम, अनीता नायर और फरीदा जलाल लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली 2012 में आई थी एक था टाइगर, इसमें गिरीश कर्नाच, सलमान खान, कटरीना कैफ थे। इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी 2014 में आई थी स्मार्ट एंड कंपनी, इसमें गिरीश कर्नाच, राजीव खंडेलवाल, मदलशाह शर्मा थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली 2015 में आई थी गुरु दक्षिणा, इसमें गिरीश कर्नाच, रूपा गांगुली, राजीव पिल्लई देखने को मिले। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 2016 में आई थी जिसका नाम था शिवाय, इसमें अजय देवगन, सायसा, गिरीश कर्नाच और सौरभ शुक्ला थे। ये मूवी ब्लोबरेस साबित हुई। अगली मूवी 2016 में आई थी चाक एंड डस्टर, इसमें गिरीश कर्नाच, सवान आदमी, जूही चावला, जरीना बहाव देखने को मिले। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 2017 में आई थी टाइगर जिंदा है, इसमें सलमान खान, कटरीना कैफ, गिरीश कर्नाच, डीप कास्ट, परेश रावल थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो व्यूवर्स, यही इनकी लास्ट मूवी साबित हुई, क्योंकि 2019 में इनकी डेथ हो चुकी थी। तो व्यूवर्स, ये फेमस एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर गिरीश कर्नाच जी की एक्टिंग में बनने वाली मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनकी एक्टिंग में बनने वाली मूवीज़ में से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक